तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो आप देख लीजिए, ये जो चौरस है इसके अंदर हम माल भरेंगे आज, क्योंकि हमने कल इसका पट्टी बना के गए थे और आज जो है इसका माल जो हम भरेंगे। और साथ में ये चिकू आया है मेरे साथ में, क्योंकि कमरे के पास ही लगे हम लोग काम में, तो चिकू आया है। और देखिए आते आते हमने इसको थोड़ा सा पानी मार दिया, क्योंकि पानी मार दिया था कि बहुत ज्यादा सूख गया था, इसके वजह से थोड़ा सा गीला किया हमने। और चिकू को साथ में लाया, बोला चल घूम के आना वैसे, तो आया इधर से। अब चलिए हम ऊपर जाते हैं और इसको हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरा भराई करेंगे। ये बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल ज्यादा सूख गया है। तो ये कल हमने ये पट्टी जो है कल बना के गए थे पट्टी ऐसे। चलो आ जाएंगे तो इसको पूरा हम करेंगे बराबर। तो इसको बराबर करने के लिए यही करना पड़ेगा आप लोगों को, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें मसाला छाप के और दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से करना है, तो फिर बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, देख सकते हैं, इसलिए पट्टी बनाया गया है। ठीक है, नहीं तो इसको बनाने के लिए और तरीका है, वो बीट जो आती है, बीट के बीट को रख के यहाँ पे मतलब चपका के या फिर डायरेक्ट बना सकते हो ये। तो बन रही है आप लोग इस वीडियो में, पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं इसको, मसाला जो सेट होता है तब।
चलिए फ्रेंड्स, अब इसे सफाई करके हम दिखाएंगे पूरा पूरा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सूख गया है तो बड़ा दिक्कत हो रहा है करने में। इसको हम पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख लीजिए फ्रेंड, जो हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिए हैं, और जो है इसमें देखिए 3 दिन वाला जो हम साइड साइड में ज्वाइंट किए हैं, इधर भी किए हैं, इधर किए हैं, चारों तरफ 3 दिन वाला जो ज्वाइंट किए हैं, और इसको हम 1.5 दिन में पूरा कंप्लीट किए हैं। कोई 12x13 का कमरा है तो पूरा 1.5 दिन लग गया कंप्लीट करने के, छत को प्लास्टर करके पूरा डिजाइन डाल के। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसका ड्राइंग की है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, हम इसका ड्राइंग भी बता देंगे आप लोगों को।